हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। आज मैं एक बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी लड्डू बनाने जा रही हूँ, जिसको हम बनाएंगे बिना यूज़ किए शुगर, जैगरी, ऑयल और घी। सबसे पहले मैंने ये एक पैन चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। पैन गरम होते ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। बहुत ही लो फ्लेम पर ये सौंफ और काली मिर्च को हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, लेकिन जलाएंगे बिल्कुल नहीं। कुछ सेकेंड्स में ही सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, उस टाइम पे हम ये सौंफ और काली मिर्च को निकाल लेंगे एक प्लेट पर। उसी सेम पैन में अब हम ले लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून सेसमी सीड्स। मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट सेसमी सीड्स। बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तिल यानी सेसमी सीड को ड्राई रोस्ट करने के बाद इमीडिएटली हम उसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर। सेसमी सीड यानी तिल को बहुत जल्दी जलने की चांसेस है, तो इसीलिए उसे ध्यान में रखते हुए हम कुछ ही सेकेंड्स उसको रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब उसे पैन में डाल देंगे 1/4 कप पीनट्स। ये पीनट्स को भी हमें स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही पीनट्स थोड़ा थोड़ा रोस्ट होना शुरू हो जाएगा, उसमें डालेंगे 1/4 कप आलमंड्स। अब ये पीनट्स और आलमंड्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर पीनट्स और आलमंड्स को एक साथ रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद ये आलमंड्स और पीनट्स को हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर। अब उसी पैन में हम डालेंगे 1/4 कप मेलन सीड्स, यानी ये तरबूज या खरबूज का जो सीड्स है वो। मेलन सीड्स को ऑलमोस्ट 20 to 30 seconds के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उसमें डालेंगे 1/2 कप सनफ्लावर सीड्स। मैंने आलमंड्स, पीनट्स और मेलन सीड्स को 1/4 कप लिया है ईच, और सनफ्लावर सीड्स को लिया है 1/2 कप। आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, जस्ट 30 seconds के लिए भून लेंगे और फिर निकाल लेंगे एक प्लेट पर। सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स तो ड्राई रोस्ट हो गए, अब इन्हें हम छोड़ देंगे ये जब तक पूरा ठंडा हो जाएगा। ये मैंने लिया है 10 से 12 डेट्स यानी खजूर। जब तक मेरे सीड्स सारे ठंडे हो रहे हैं, मैं इन्हें डीसीड कर लेती हूँ। आपके पास अगर सीडलेस खजूर है तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स पूरा ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर में आ गया है। तो लेंगे एक ग्राइंडर जार और सबसे पहले इसमें डालेंगे वो काली मिर्च और सौंफ। सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। अब इस ग्राइंडर जार के अंदर हम डालेंगे आलमंड्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स और हमारा मेलन सीड्स जो हम रोस्ट करके रखे थे। अब इन सारे चीजों को हम ग्राइंड तो करेंगे, लेकिन पल्स पे करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह। ऐसे पल्स में ग्राइंड करने से ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो है वो अपना ऑयल रिलीज नहीं करेगा और ये पाउडर अच्छे से बनेगा। अदरवाइज कंटिन्यूस अगर ग्राइंड करते रहेंगे तो एकदम से स्टिकी बन जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से पाउडर बन गया है इन सारी चीजों का। सौंफ के वजह से खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो डेट्स जिसका मैंने सीड्स निकाल कर रखा था। अब इन सारे चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे शुगर या जैगरी कुछ भी यूज नहीं किया है, इसलिए जो स्वीटनेस है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हमारे डेट्स के ऊपर। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा चाहिए तो डेट्स की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, ये मिक्सचर एकदम से रेडी हो गया है। इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट के ऊपर। इसमें हम ऐड करेंगे वो जो सेसमे सीड्स जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था। आप चाहे तो ये तिल को भी ग्राइंड कर सकते हैं बाकी सारे सीड्स के साथ। मुझे थोड़ा उसका बाइट अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसको होल रखा है। अब इन मिक्सचर में सेसमे सीड्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ये लड्डू को बनाने के लिए आपको कोई तेल या घी की जरूरत नहीं है, इवन हाथ को ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। बड़ा या छोटा किस साइज का लड्डू आपको बनाना है उस हिसाब से एक पोर्शन लीजिए, हाथ से दबाते हुए एक लड्डू का शेप दे दीजिए। बहुत आसानी से बन जाती है ये लड्डू। इसी तरह से मैंने सारा लड्डू बनाकर रख दिया है। अब और ये देखिए, मेरा सारा लड्डू बन गया है और ये कंप्लीटली रेडी है जाने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर। ये एक सिर्फ डिलीशियस ही नहीं, सुपर हेल्दी लड्डू है जो कि हर कोई खा सकता है, बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक। इवन जो लोग डाइट पे हैं वो भी खा सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें ना तेल, ना घी, ना शक्कर, ना जैगरी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ खा सकते हैं नहीं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि ये हर किसी को खाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चीजों से बना है। तो आप भी ये लड्डू जरूर बनाइए, खुद खाइए, घर वालों को सबको खिलाइए और मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा लगा ये लड्डू आपको। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।